मंदसौर भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत प्राचीन शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में तशपुर के नाम से जाना जाता था, जो आजादी के पहले ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। फ्रेम, यह शहर पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शहर शिवना नदी के किनारे स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के कारण यह देश भर में प्रसिद्ध है। इसे नेपाल के काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ के समान ही माना गया है। फ्रेम, मंदसौर जिले को मालवा का सिंह द्वार तथा राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी कहते हैं। यह शहर लगभग 9791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 29वां जिला है। फ्रेम, यहाँ अफीम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, इस कारण भी यह जिला पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ स्लेट पेंसिल उद्योग इस जिले का महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अलावा पवन चक्की के फार्म की स्थापना के लिए CWET द्वारा जिले के कुछ हिस्सों का मुआवजा किया गया है। फ्रेम, मंदसौर के पास स्थित खानपुरा में लोग रावण की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासी रावण को दामाद मानते हैं। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की रहने वाली थी, इसीलिए मंदसौर को रावण का ससुराल भी माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार मंदसौर की जनसंख्या 13 लाख के लगभग है, और यहाँ मालवी भाषा बोली जाती है, जो राजस्थानी और हिंदी की मिश्रित भाषा है। दोस्तों, अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की तो यह शहर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम जिलों से घिरा हुआ है। फ्रेंड, शहर के भानपुरा में मध्य प्रदेश की पहली परियोजना गांधी सागर बांध निर्मित है। इसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर जिले में है। यहाँ गांधी सागर अभयारण्य भी स्थित है। इस अभयारण्य में नीलगाय, हिरण, तेंदुआ आदि जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेम, यह शहर समुद्र तल से 468 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह शहर भोपाल से 346 किलोमीटर दूर और देश की राजधानी दिल्ली से 697 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। दोस्तों, इस शहर का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल तहसील के साथ 7 ब्लॉक में भी किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी होता है, और इस शहर की साक्षरता 71.78% है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे पशुपतिनाथ मंदिर, शिवाना नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह हिंदू वास्तुकला का एक आम रूप है, जहां आपको मंदिर की चारों दिशाओं में 4 दरवाजे दिखाई देंगे। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन होता है। धर्मराजेश्वर मंदिर, यह बाबा भोलेनाथ का काफी प्राचीन मंदिर है, जो कि सीतामो तहसील में स्थित है। लोगों का कहना है कि यहां मूर्ति साल भर में 1 इंच बढ़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है। यहां पर बौद्ध धर्म के भी कई चिन्ह देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें बौद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जमीन की तल में बना हुआ है, जो काफी प्रसिद्ध है। तेलिया तालाब, मंदसौर के प्राकृतिक आकर्षणों में आप यहाँ के तेलिया तालाब की सैर का प्लान बना सकते हैं। अपने शांतिप्रिय माहौल के साथ यह मंदसौर के सबसे आरामदायक स्थलों में गिना जाता है। यह स्थल पारिवारिक भ्रमण के लिए काफी खास है, जहाँ आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हिंगलाज का किला मंदसौर, हिंगलाज का किला मंदसौर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला मंदसौर में भानपुरा तहसील में स्थित है। यह किला घने जंगलों के बीच में स्थित है। इस किले में आपको प्रसिद्ध हिंगलाज माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर बावली भी बनी हुई है। यह किला बहुत सुंदर है, और प्रकृति प्रेमी के लिए यह किसी स्वर्ग के समान है। यह किला बरसात के समय घूमने के लिए बहुत सुंदर लगता है। बरसात के समय यहाँ पर चारों तरफ हरियाली रहती है। दोस्तों, इनके अलावा भी जैसे मंदसौर का किला, श्री वही तीर्थ, गांधी सागर, नालछा माता मंदिर, कनकेश्वर छोटा महादेव मंदिर, कुकरेश्वर मंदिर आदि कई सारे दर्शनीय व खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।